वेलकम 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 गाइस वेलकम बैक टू चैनल ऑप्शंस गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डीली मकल वीडियो में आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी और एक अच्छे अपमूव के बाद जो हमें रिसेंट डेज में देखने को मिल रहा था बजट की वजह से भी आज फिर से जैसे आफ्टर बजट एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आपको सेटल डाउन होती हुई दिखेगी फिर से अपने नॉर्मल सिनारी में वर्क करेगी काइंड ऑफ ग्लोबल मार्केट के साथ सिंक में आ जाएगी फिर से मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट्स आज काइंड ऑफ नेगेटिव थे एंड उसी का इम्पैक्ट हमें हमारी मार्केट पे भी देखने को मिला आज एक नेगेटिव मार्केट ओवरऑल देखेंगे बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं था लेकिन निफ्टी में काफी डीसेंट फॉल हमें देखने को मिला है तो बात करेंगे ओवरऑल आज की इंट्राडे मार्केट की ट्रेड्स तो होप आपके अच्छे गए होंगे एक्सपायरी आपकी अच्छी रही होगी क्योंकि जो हमने लेवल्स और ट्रेड डिस्कस किए थे उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया वो हम जरूर आपको बताएंगे सुपर ट्रेंड ने भी परफेक्टली वर्क किया तो होप आपने ये डिसेंट फॉल आज कैच किया होगा बात इंटरडे मार्केट की लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट आगे कैसी मार्केट देखने को मिल सकती है क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे कैसे बनाने आपको कल फ्राइडे को डिटेल में जानेंगे पूरा एनालिसिस लेकिन सबसे पहले चैनल पे नया सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना आपको फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि डेली आप ऐसे वीडियो मिस ना करें चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस तो ओपनिंग की बात करें तो कोई ऐसी बहुत शार्प गैप डाउन ओपनिंग देखने को नहीं मिली काइंड ऑफ स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग जरूर हुई थी लेकिन कोई बहुत शार्प गैप डाउन ओपनिंग देखने को नहीं मिली और हमारी क्लियर कट क्या डिस्कशन थी अगर आपने कल वीडियो देखी थी हमने आपको बताया था सेवनटीन के अबव मार्केट बुलिश होगी जो लेवल पूरे दिन में कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ और बेरिश मार्केट थी सेवनटीन के बिलो मॉर्निंग में ही क्लियर कट लेवल भी ब्रेक हुआ था और एक और साइन था आपके पास कि सुपर ट्रेंड ने भी सेल साइन बना के कंफर्मेशन आपको दे दी थी तो ये क्लियर साइन था आज कि निफ्टी में हमें नेगेटिव मार्केट एक्सपेक्टेड है क्लियर कट वही देखने को मिला आप देखेंगे क्लियर कट फॉल हमें देखने को मिला लेवल्स आज यहाँ पे हम मार्केट को क्यों सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लेवल था 17700 क्लियरली आपको बताया था एवरी फिफ्टीज पे मार्केट वर्क करती है एक्सपायरी वाले दिन तो हमें कंटिन्यूस फॉल ही देखने को मिला यहाँ से फिर से बाउंस आता है अब इस बाउंस में भी ये जो बाउंस आ रहा है ये जो बाउंस था ये आपके लिए फिर से परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी पुट्स में और शॉर्ट्स में एंट्री करने की क्या रीजन था इसका सिंपली सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस थी यहाँ पे एग्जैक्टली exactly ये बाउंस जरूर आता है लेकिन सुपर ट्रेंड फिर से परफेक्टली वर्क करता है और रेजिस्टेंस से मार्केट में हमें फिर फॉल देखने को मिलता है एक बार मैं आपको सुपर ट्रेंड दिखा देता हूँ होप आपका परफेक्ट डे रहा होगा अगर आपने हमारे सिंपल से सेटअप को फॉलो किया था सेवनटीन सेवन फिफ्टी के बिलो मार्केट बैरिश एंड साथ में सुपर ट्रेंड भी आप देख लीजिए डेली बताते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं अब ये देखिए सेवनटीन सेवन फिफ्टी भी ब्रेक हो रहा है और सुपर ट्रेंड भी सेल साइन बना रहा है और कंफर्मेशन कैंडल भी क्लियर कट मिल गई कहीं कोई डाउट ही नहीं है और उसके बाद देखिए आप क्लियर कट फॉल अब ये वो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था बाउंस जरूर आया है यहाँ आप देखिए बाउंस जरूर आया है लेकिन ये बाउंस आया था सिर्फ आपको एंट्री देने के लिए दोबारा कि सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस पे आप एंट्री बनाइए और परफेक्ट एंट्री पॉइंट और वहाँ से आप फिर से देखिए क्या डिसेंट फॉल देखने को मिला है तो अगर आपने सुपर ट्रेंड मार्क किया होगा तो आज बहुत ही सिंपल मार्केट थी क्लियर कट आपको पुट्स में एंट्री करनी थी कहीं भी बाय साइन नहीं बना एक बाय का ट्रेड फिर भी आप कहाँ बना सकते थे वो भी आपको बताएंगे अदरवाइज आप देखिए बहुत ही सिंपल मार्केट है कहीं बाय साइन नहीं बना मॉर्निंग में ही सेवनटीन सेवन फिफ्टी लेवल भी ब्रेक हुआ और सुपर ट्रेंड भी सेल साइन भी दे देता है तो आपके पास डबल कंफर्मेशन के साथ आप पुट्स में एंट्री कर सकते थे और काफी मेजर फॉल देखने को मिला है सुपर ट्रेंड एक बार हटा देते है, हैं ताकि हम फर्दर डिस्कस कर सकें पर इसे आप डेली बेसिस पे जरूर यूज कीजिए अभी तक आपने सुपर ट्रेंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर जाके देखिए बहुत परफेक्टली वर्क करता है सुपर ट्रेंड परफेक्ट एंट्री थी सुपर ट्रेंड से फिर से डिपा अब ये जो पॉइंट था यहाँ पे हमने आपको बताया था सेवनटीन सिक्स हंड्रेड पर जब मार्केट आएगी फॉल आता है और इन केस मार्केट सेवनटीन सिक्स हंड्रेड पर आती है तो यहाँ पे आप कॉल्स एंड लॉन्ग्स में एंट्री बना सकते हैं और आप देखेंगे फर्स्ट टाइम परफेक्टली मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है सपोर्ट लेती है यहाँ से और यहाँ से बहुत बड़ा मूव तो नहीं पर एक डिसेंट फोर्टी पॉइंट्स का मूव आपको ज़रूर देखने को मिला और 40 पॉइंट्स भी एक्सपायरी वाले दिन आपको अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं सुपर ट्रेंड से भी आप परफेक्टली ट्रेड्स बना सकते थे इस लेवल तक अपने शॉर्ट्स कैरी कर सकते थे और यहाँ पे अगर आप कॉल में भी एंट्री बनाते तो आपको डिसेंट प्रॉफिट होता क्योंकि प्रीमियम्स ऑलमोस्ट डीके हो चुके थे 2 पीएम के अराउंड यह ट्रेड मिलता आपको प्रीमियम्स ऑलमोस्ट डीके हो चुके थे एंड फोर्टी पॉइंट का मूवी आपको अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दे देता है एक्सपायरी वाले दिन तो ये वो पॉइंट था जहाँ आप एक बार कॉल्स में एंट्री बना सकते थे लेकिन सेकेंड टाइम ये लेवल भी क्लियर कट ब्रेक होता है कोई साइन नहीं दिखा आपको कोई ग्रीन कैंडल नहीं है तो क्लियर कट पता है आपको कि लेवल ब्रेक हो रहा है और उसके बाद हमें फर्दर फॉल देखने को मिला यहाँ तो क्लोजिंग बहुत लोअर लेवल्स पे दिख रही है लेकिन एग्जैक्ट क्लोजिंग हमारी सेवनटीन फाइव सिक्सटी लेवल पे आई है ठीक है ये हमारा एग्जैक्ट क्लोजिंग लेवल है क्योंकि लास्ट हाफ एन आवर में मार्केट एवरेज क्लोज होती है तो ये ओवरऑल इंट्राडे मार्केट थी जहां आप देखिए सिंपली मार्केट डाउन ट्रेंड में है लोअर लोज एंड लोअर हाईज बन रहे कहीं भी कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में कोई रिवर्सल आ रहा है सुपर ट्रेंड ने भी कहीं बाय साइन नहीं दिया और क्लियर कट डाउन ट्रेंड में आप बहुत सिंपली देख सकते हैं मार्केट में मॉर्निंग में आपको एग्जैक्टली exactly कहां से बेरिश हो जाना था वो भी आपको पता था तो ये तो बात हुई इंट्राडे मार्केट की आगे क्या होगा देखिए सेवनटीन लेवल के बिलो आ गई है मार्केट फिर से ये इंपॉर्टेंट लेवल था अब इस लेवल को मार्केट ने फिर से ब्रेक कर दिया है तो ये मार्केट में फिर से एक बेरिश शाइन है कि अगर 17,600 के मार्केट बिलो रहती है तो फिर से बेरिश शाइन है और पहली बार फिर मार्केट आएगी 17,300 पे और फिर सपोर्ट है 17,000 पे ये ठीक है ये अब लोअर साइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है एवरी 300 पॉइंट्स पे मार्केट के पास सपोर्ट है अब जब सेवेंटीन सिक्स हंड्रेड लोअर साइड ब्रेक हो चुका है अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड करके जाती तो हम बुलिश साइन के साथ ही ट्रेड करते इसके अबाव मार्केट बुलिश है और हमें एक्सपेक्टेड है कि एटीन थाउजेंड तक मार्केट जाएगी इसके अबाव जब मार्केट सस्टेन करती है लेकिन आज सिंगल डे में हमें काफी डिसेंट फॉल देखने को मिला ऑलमोस्ट टू पॉइंट्स का और फिर ये लेवल फिर से ब्रेक हो गया कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये लेवल ठीक है कल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये लेवल ट्रेड्स की बात करें और लेवल्स की बात करें कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस सेवेंटीन सिक्स हंड्रेड उसके बाद सेवनटीन सिक्स फिफ्टी एंड सेवनटीन थाउजेंड सेवन थर्टी और उसके बाद सेवनटीन थाउजेंड सेवन एटी से एट हंड्रेड का जोन ये सारे आपके रजिस्टेंस लेवल है ठीक है बहुत सिंपली सपोर्ट का मिलेगा सपोर्ट लेवल पहला है सेवनटीन फाइव हंड्रेड एंड उसके बाद एक जोन आता है सेवनटीन फोर हंड्रेड टेन से फोर थर्टी ये हमारे सपोर्ट लेवल से अब ट्रेड कैसे बनाना है कल तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल हमने क्या बताया सेवनटीन सिक्स हंड्रेड तो ये लेवल कल आपको ट्रेड्स बताएगा इसको अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक कर पाती है अभी लोअर साइड है फोर्टी पॉइंट्स लेकिन अगर इस लेवल को अपसाइड ब्रेक कर पाती है तो आपको कॉल्स में एंट्री करनी है सिंपली इस लेवल के अबव मार्केट फिर से बुलिश होगी कॉल्स में एंट्री करनी है पहला टारगेट छोटा है लेकिन उसके बाद अच्छा डिसेंट टारगेट है ठीक है तो सेवनटीन सिक्स हिंड के अबव कॉल में एंट्री पुट्स में एंट्री इसी लेवल को अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती अपसाइड इसकी लोअर साइड रहती है तो आपको पुट्स में एंट्री करनी है और टारगेट ये रहा सेवनटीन फाइव हंड्रेड और अगर सेवनटीन फाइव हंड्रेड ब्रेक होता हुआ दिखता है तो हमें सेवनटीन फोर थर्टी भी आता हुआ दिख सकता है कल मार्केट में तो सेवनटीन सिक्स हंड्रेड लेवल कल मार्केट में ट्रेड डिसाइड करेगा इसके अबव बुलिश है मार्केट कॉल्स में एंट्री करनी है और इसके बिलो ब मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग जरूर आई है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर है क्लोजिंग इस लेवल के तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है कल भी इसके बिलो रहती है तो फिर से एक बेरिश मूव देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक भी लेकिन ये लेवल देखना पड़ेगा कल मार्केट होल्ड करती है या ब्रेक करती है सेवनटीन सिक्स हंड्रेड इंपॉर्टेंट डे है कल अभी क्लोजिंग दिख रहा है स्लाइटली बिलो लेकिन कल फिर से देखना पड़ेगा क्या फ्राइडे को मार्केट ये लेवल होल्ड करती है या ब्रेक ट्रेड के लिए सिंपली यही लेवल आपको ट्रेड बताएगा इसके अबाव आपको बुलिश ट्रेड ढूंढना है और इसके बिलो बेरिश ट्रेड ठीक है बहुत सिंपल सेटअप लेवल्स आपने होप नोट डाउन कर लिए होंगे ये बात हुई निफ्टी की बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं वहाँ क्या हुआ और कैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड्स बना सकते थे तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग में कोई ज्यादा मूव्स नहीं दे रहा था मॉर्निंग में ऑलमोस्ट यहाँ एक लेवल था 39,150 एंड बार बार मार्केट उसी लेवल पे सपोर्ट ले रही थी आप देखेंगे तो ओपनिंग ऑलमोस्ट यहाँ भी फ्लैट हुई थी लेकिन यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 39,300 ठीक है इसके बिलो बेरिश है मार्केट इसके अब बोलेश मार्केट हमारी डिस्कशन ये थी मॉर्निंग में ही देखिए लेवल ब्रेक हुआ है तो इसके बिलो काइंड ऑफ बेरिश मार्केट का साइन तो आपको मिल चुका था लेकिन कोई बहुत बड़ा फॉल हमें मॉर्निंग में देखने को नहीं मिला 39150 लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम हमने मार्केट को देखा सपोर्ट लेते हुए बाद में भी देखेंगे लेवल वर्क कर रहा है बाद में भी 39150 लेवल के आसपास ही मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया लेकिन डे दे एंड में ये ये बहुत बहुत शार्प सेल ऑफ आया लेकिन लेटर था आफ्टर थ्री पी एम था तो बहुत ज़्यादा यहाँ लोअर साइड नहीं है यहाँ दिख रहा है थर्टी एट नाइन हंड्रेड के बिलो भी क्लोजिंग लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग हमारी थर्टी नाइन थाउजेंड की अब आई है तो ये मूव ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है क्योंकि ये लास्ट हाफ एन आवर में आया था ओवरऑल पूरा इंट्राडे डे देखे तो कोई बहुत बड़े मूव हमें देखने को नहीं मिले ऑलमोस्ट एक टू पॉइंट्स की रेंज में मार्केट वर्क कर रही थी कंप्लीटली ये लास्ट हाफ एन आवर में मूव जरूर आया लेकिन हमने आपको जैसे बताया एवरेज क्लोजिंग आती है तो क्लोजिंग हमारी अभी भी थर्टी नाइन थाउजेंड लेवल के जस्ट अबव आई है ठीक है अभी भी मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं थे और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं था निफ्टी की तरह जैसे निफ्टी में हमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं था अच्छे डिसेंट हमें बाउंसेज भी देखने को मिले और एक रेंज में वर्क कर रही थी बैंक निफ्टी तो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी देखें तो निफ्टी के कंपैरिजन में अभी भी बुलिश है क्योंकि इंपॉर्टेंट पोजिशनल लेवल भी होल्ड किया है जो लेवल था थर्टी ये अभी भी मार्केट ने होल्ड किया है क्लोजिंग बेसिस पे तो अभी भी मार्केट काइंड ऑफ बुलिश ही है बैंक निफ्टी में इसके अब हमने क्लियरली कहा था मार्केट बुलिश है जब तक इस लेवल को मार्केट होल्ड कर रही है तो मार्केट ने बैंक निफ्टी में यहाँ अभी भी लेवल को होल्ड किया है कल के लिए लेवल्स और ट्रेड्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट होगा थर्टी क्योंकि इसके अबव क्लोजिंग आई है तो पहला सपोर्ट है ये, तो काइंड ऑफ डिफरेंट दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में निफ्टी ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है काइंड ऑफ सेवनटीन सिक्स हंड्रेड लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड किया थर्टी एट थाउजेंड एट फिफ्टी तो बैंक निफ्टी भी अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर एक क्लियर बेयरिस शनारी हो जाएगा क्योंकि निफ्टी भी लेवल ब्रेक कर चुका है और बैंक निफ्टी भी तो सेम साइड दोनों मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो हमें काइंड ऑफ कंफर्मेशन नहीं मिल रही है बेयरिश मूव की तो हमें अभी भी देखना पड़ेगा ये लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है कल या फिर नहीं अगर ट्रेड्स की बात करें तो सिंपली ट्रेड क्या होगा देखिए पुट्स में एंट्री थर्टी के बिलो आप पुट्स में एंट्री कर सकते हैं कॉल्स में एंट्री के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा थर्टी नाइन थ्री हंड्रेड लेवल जब अपसाइड ब्रेक होगा तो आप कॉल्स में एंट्री बनाए तो बेटर होगा वो एक क्लियर साइन होगा कि बैंक निफ्टी बुलिश हो रहा है 39,000 लोअर साइड ब्रेक हो जाता है तो क्लियर है कि पुट्स में एंट्री बना सकते हैं जहां पे मार्केट क्लोज हुई है वो लेवल ब्रेक हो तो पुट्स में एंट्री बना लो लेकिन अपसाइड मूव के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा कि काइंड kind ऑफ of एक ब्रेकआउट मिले 39,300 के अबव तब आपको कॉल्स में एंट्री बनानी है तो होप आपको बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप क्लियर है और ट्रेडिंग प्लान भी आपको कल के लिए क्लियर होगा निफ्टी में सेवेंटीन सिक्स हंड्रेड इंपॉर्टेंट है और बैंक निफ्टी में पोजिशनली थर्टी एट थाउजेंड एट फिफ्टी लेवल इंपॉर्टेंट है तो अगर लोअर साइड भी आती है तो ये देखना होगा ये क्लोजिंग बेसिस पे क्या लेवल ब्रेक हो रहा है तो हमें बियरिश मार्केट दोनों जगह देखने को मिलेगी लेकिन अभी एक जगह ब्रेक हुआ एक जगह मार्केट ने होल्ड किया तो काइंड kind ऑफ of कोई क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं है और अवॉइड कीजिए कि कुछ भी कैरी करके जाए मंडे के लिए क्योंकि वीकेंड्स पे अवॉइड करें तो बहुत ही ज्यादा बेटर होता है क्यों दो दिन टेंशन लेनी आराम से अपना वीकेंड एंजॉय करें कोई ऑप्शंस में पोजीशन कैरी करके मत जाए ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं इसके अलावा जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूले आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय टेक केयर